संघर्ष तो आदमी के जीवन में होना ही चाहिए। संघर्ष ही आदमी को ऊपर लेकर जाता है ना। अगर हमारे पास कोई जिम्मेदारियां आई है और संघर्ष अगर सामने से दिख रहा है तो संघर्ष में से अगर जो उभरता है वही ऊपर जाता है। और बोलते हैं ना कि विपत्तियां मतलब अवसर समझकर काम करना चाहिए। और विभाग क्रमांक 2 की जवाबदारी अभी मुझे जब मिली है तो इस जवाबदारी को एकदम जिम्मेदारी से पूरा करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ के जितने भी हमारे पदाधिकारी है, जूने शिवसैनिक, नए शिवसैनिक, सभी को साथ में लेकर एक अच्छा संगठन बनाने की कोशिश। ऑलरेडी मैंने इन 8-10 महीनों में बहुत अच्छा काम करके यहाँ के जितने जूने शिवसैनिक थे, नए पदाधिकारी थे, सबको लेकर एक अच्छा संगठन बनाया मैंने। 22 हमारी शाखा है, 22 शाखा में हमने 20 शाखा में शाखा प्रमुख दिए। महिलाओं की एक अच्छा संगठन बनाया हमने, मतलब अच्छा काम किया हमने यहाँ पर। और मुख्यमंत्री साहब का जो एक जनहित करने का जो निर्धार उन्होंने हाथ में लिया है, उस निर्धार को बल देने का काम करेंगे इनके माध्यम से। बाड़ा साहब का वारसा और आनंद दिघे साहब की शिकवण, ये सब चीजों को मिश्रित करके एक अच्छा संगठन बनाएंगे। जैसे पद बड़ा है, जिम्मेदारियां भी बड़ी होती है, चुनौतियां भी बड़ी होती है, इन चुनौतियों को आप किस तरह देखते हैं? चुनौतियां अवसर लेकर आती है ऐसा कहा जाता है, तो चुनौतियां अवसर समझकर मैं काम करूंगा। मुझे कोई जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी को किस तरीके से अपने बल से, बुद्धि से, किस तरीके से काम कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे और अपना संगठन मजबूत करेंगे। जो जिम्मेदारी और जो विश्वास मेरी पार्टी ने मुझ पर दिखाया है, खास करके हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब को देखिए, 20-20 घंटा काम करते हैं। जब वो काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बस इसी चीज को ध्यान में रख के लोगों के लिए काम करेंगे और आम लोगों के लिए काम करेंगे। आप देख रहे हैं अभी आज मुख्यमंत्री साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने आम आदमी के लिए बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की, बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई जो उन तक पहुंचाएंगे और उनके काम में कहीं ना कहीं थोड़ा हिस्सा हमारा भी होगा। संगठन तो ठीक है, लेकिन आम जनता तक आप कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि आम जनता जो है काफी दुविधा में है, नेता इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे, तो आम जनता तक आप अपना ये किस तरह लेकर जाएंगे? आम जनता के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने एक योजना लाई, शासन आपल्या द्वारी। मतलब अब तक ऐसा होता आया था कि हमको अगर कुछ काम रहता था तो हमको सरकारी कामों के लिए सरकारी ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते थे। अब उल्टा हो गया है, सरकार और शासन वो खुद आपके घर तक पहुंच चुका है। आपको क्या काम है बताइए, शासन आपल्या द्वारा 30 लाख लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है और वो हर जिले में कर रहे हैं। मतलब हर जिले वाइज ये ऐसी एक योजना, ये जो योजना है इसका एक शिविर लगता है और उसमें खास करके वहाँ विभिन्न विभिन्न विभागों के अधिकारी वहाँ पर होते हैं, कैंप लगते हैं और डायरेक्ट लाभ लोगों को मिलता है। आपके लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दिग्गज नेता, यहाँ तक के आपके साथ के भी लोग जो शिंदे सरकार में सहयोगी हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, तो उनसे अलग आप अपना एक अलग रास्ता किस तरह बनाएंगे? आज इतने सालों में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने अलग अलग राह चुनी और अलग तरीके से काम करने का जो मेरा स्टाइल है वही लोगों को अच्छा लगता है। मैं डायरेक्ट जैसे साहब काम करते उसी तरह की का काम मेरा भी है। मैं भी लोगों के काम जितना हो सकता है पूरे करने की कोशिश करता हूँ और मेरे यहाँ आया हुआ आदमी खुशी खुशी घर जाए यही सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि यहाँ आया हुआ आदमी चाहे किसी भी प्रकार का काम हो उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए और वो मैं करता हूँ। लोगों को आप किस तरह जोड़ेंगे आगे आने वाले वक्त में पार्टी को मजबूत करने के लिए? लोगों का काम करके जोड़ेंगे। बाड़ा साहब ने कहा है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण करना चाहिए, बस उसी मंत्र को आत्मसात करके काम करेंगे। बाड़ा साहब कहते थे कि आपके ऑफिस के बाहर कितने चप्पल आपके ऑफिस के बाहर रहते हैं उससे आपकी कमाई मतलब आंकी जाती है कि आपके ऑफिस के बाहर कितने लोग आते हैं। बस आज इतने सालों में लोगों का काम करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा,
बाड़ा साहब की जो दी हुई शिक्षा है उसको पूरी करूंगा।